आज हम बात करेंगे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू गाइस शुड लर्न इन 2021 टू गेट अ जॉब विदाउट इवन गेटिंग अ कॉलेज डिग्री। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप ऐसी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि आप लोग सीख सकते हो 2021 में और आपको सीखनी चाहिए भी। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो 2021 में अगर आपको जॉब चाहिए और आपको कॉलेज डिग्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बात ऐसी है कि जब भी कभी डिस्कशन चलती है या फिर कभी बात चलती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन के बारे में तो हमेशा इस टॉपिक पर डिबेट चल ही पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि एक लैंग्वेज एक बंदे को प्यारी हो या फिर मतलब उसकी फेवरेट हो और वही लैंग्वेज दूसरा बंदा उसको हेट करता हो। तो इट डिपेंड्स पर पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि मेरी जो फेवरेट लैंग्वेज है वो आपकी फेवरेट लैंग्वेज ना हो, हो सकता है आपकी जो अच्छी आपको जो अच्छी लगता है फ्रेमवर्क हो मुझे पसंद ना हो। आज के जो 5 लैंग्वेजेस मैंने निकाली है ये मैंने प्रॉपर रिसर्च करके निकाली है कि स्टैक ओवरफ्लो पे ट्रेंड क्या चल रहा है, जॉब मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, किस लैंग्वेज को आप जल्दी सीख सकते हो, हाईली पेड जॉब्स किस लैंग्वेजेस में हैं। तो इन 5 लैंग्वेजेस में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो, आपकी सक्सेस पक्की है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो सबसे पहले बात करके हम नंबर 5th प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो इस लिस्ट में है तो यहाँ पर निकल कर आ रही है PHP। आई नो हो सकता है कि आपको PHP लैंग्वेज अच्छी लगती हो सकता है आपको PHP लैंग्वेज अच्छी ना लगती हो, डजंट मैटर। तो बात करें कि PHP लैंग्वेज जो है वो यूज होती कहाँ पर है। PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड डेवलपमेंट करने के पर्पस में यूज होती है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको यूज कर आप किसी भी तरह की वेब डेवलपमेंट कर सकते हो जो कि सर्वर साइड में डेवलपमेंट मांगती हो। ये जो लैंग्वेज है ये काफी देर से चल रही है बट द थिंग इज आज की डेट में भी इसकी काफी डिमांड है मार्केट में, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में काफी PHP डेवलपर्स की डिमांड है अभी भी। लोग कहते हैं कि ये डाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट अगर आप स्टैट्स देखो, अगर आप जॉब मार्केट शेयर मार्केट देखो इंटरनेट पर, तो इसकी कम्युनिटी भी काफी बड़ी है और काफी डिमांडिंग है आज की डेट में भी। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर सर्वर साइड डेवलपमेंट करना चाहते हो तो PHP को यूज कर सकते हो अगर आपका मन है तो। आप एक जस्ट गिव इट अ शॉट, अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, आगे और भी 4 लैंग्वेज भी पड़ी हैं। बात करें नंबर 4th प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो यहाँ पर आ जाती है गोलैंग। गोलैंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मार्केट में आए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई बट ये लैंग्वेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, दिन बर दिन ये इमर्ज कर रही है, अपना ग्राफ इसका हाई जा रहा है। ये जो लैंग्वेज है ये गूगल ने डेवलप की हुई है और इस लैंग्वेज को यूज़ कर आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बिग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, उसके अलावा मशीन लर्निंग कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। आप इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और एक बार देखिए कि गो लैंग्वेज भी इमर्ज कर रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, काफ़ी कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया है गो लैंग्वेज को अपनाना। आज की डेट में अगर बात करें कि कौन से बिग टेक जायंट्स है जो कि गो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो एक तो गूगल हो गई, एक नेटफ्लिक्स हो गई, एक उबर भी यूज करती है गो लैंग्वेज को। ये मैंने एग्जांपल दी है कुछ 3 ऐसे टेक जायंट्स की जो कि इसको यूज कर रही है। इसके अलावा और भी काफी कंपनीज है जो कि गो लैंग को आज की डेट में यूज कर रही हैं। उसके बाद बात करेंगे है नंबर 3 की जिसमें हमें मिल जाएगा जावा। यहाँ पर देखो जावा चल रही है, किसी को बोल दो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छा तुमको जावा तो आती होगी। हाँ आती है। इंडिया में क्या सीन है कि अगर तो आप 10th में ही अपनी कंप्यूटर की लाइन ले लेते हो या फिर प्रोग्रामिंग की लाइन चूज कर लेते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही जावा में स्टार्ट करवा देंगे, आपको नेटबीन्स स्टार्ट करवा देंगे या फिर आपको जावा नॉर्मल जैसे कहते हैं ना 2 वेरिएबल्स को प्लस करना माइनस करना मल्टीप्लाई करना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, ऐसी चीज़ें जो है आपको स्टार्टिंग में ही सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जावा इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी। आज की डेट में भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, काफ़ी कंपनीज है जो कि जावा को चूज़ करती है अपने सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए।
जावा के साथ मैं ये बोलूंगा कि ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जावा को प्रेफरेंस देती है और जावा डेवलपर्स की काफी डिमांड चल रही है। यहाँ पर बात करें कि ये लैंग्वेज यूज कहाँ पर होती है, ये लैंग्वेज काफी चीजों में यूज होती है। अगर बात करें इसकी पर्पस की, तो ये जो है आपको, आप जावा को यूज कर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, मोबाइल एप्स बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, एप्लीकेशंस बना सकते हो, काफी चीजें पर यूज होती है जावा आज की डेट में। यहाँ पर आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग जावा के साथ जाना चाहते हो तो सिर्फ आप कोर जावा तक ही सीमित ना रह जाएं, आप इसको एडवांस तक जरूर पढ़ें। उसके अलावा कम से कम एक फ्रेमवर्क जावा का आपको जरूर आना चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए विदाउट कॉलेज डिग्री। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन देखो तो आज की डेट में वैसे तो काफ़ी फ्रेमवर्क चलते हैं जावा के, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, हडूप है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क चलते हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूं सबको, मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि आपको स्प्रिंग बूट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग बूट जो है वो आज की डेट में भी काफ़ी ट्रेंडिंग और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि जावा में यूज़ हो रहा है। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन है कि कहां पर क्या करना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोई आपको फंक्शन नहीं यूज़ हो रहा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बात करें कि सेकंड पोजीशन पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने कि अपना हल्ला बोला हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, नंबर सेकंड पर आएगी जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे मैं काफ़ी डरता था। ऑनेस्टली मैं काफ़ी डरता था कि मतलब यूनी डेज में जब भी जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आ जाता था तो आई यूज़ टू टेल माय फ्रेंड्स कि भाई यार ये आ गया, अब मैं इसका क्या करूँ। अब जावास्क्रिप्ट की उन्होंने बोल दी है कि आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक वेबसाइट बनानी है, तो मेरी तो फट जाती थी उस टाइम पूरी पूरी। तो बट द थिंग इज, आज की डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद कॉलेज डिग्री के बाद मैंने खुद ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके जावास्क्रिप्ट को अच्छे से रीड किया, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन देखी, अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि कैसे क्या क्या चलता है, कैसे वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ ए टू जेड सब कुछ मैंने चेक किया इसका, जावास्क्रिप्ट का। और आज की डेट में मैं जावा से मूव होकर जावास्क्रिप्ट में आ गया हूं, और आज की डेट में जावास्क्रिप्ट जो है वो मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। जी हाँ, तो बात करें जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का सबसे अच्छा मुझे जो लगता है कि अगर तो आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, अगर आपका मन है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर बनूंगा जिसमें आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए और डेटाबेसिस भी आना चाहिए, उसके अलावा आपको टेस्टिंग वगैरह भी आनी चाहिए, तो काफ़ी छोटी 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 चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपको जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की दोनों कवर कर लोगे। जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आपको मैं बोलूंगा कि आपको जैसे कि जावास्क्रिप्ट डिटेल में आनी ही चाहिए, उसके अलावा आपको ज़्यादा थोड़ी बहुत ही बेसिक्स में टाइपस्क्रिप्ट भी आप थोड़ी बहुत ही सीख ही लेना, ज़्यादा नहीं, मतलब बेसिक्स मेथड टच पॉइंट्स की, हाँ बेसिक क्या होनी चाहिए टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कि जिसमें कि रिक्वायरमेंट होती है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ करनी है साथ में। तो बात करें जावास्क्रिप्ट डिटेल में, तो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स ही नहीं सीखने, इसमें आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको बैकेंड का फ्रेमवर्क है, आपको नोड जेएस हमेशा देखना चाहिए, सर्वर के लिए आपको एक्सप्रेस जेएस मिल जाएगा, और आपको फ्रंट एंड के लिए मिल जाएगा, फ्रंट एंड में काफ़ी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, एंगुलर आ जाता है, रिएक्ट आ जाता है, व्यू आ जाता है, बट मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है रिएक्ट जेएस, क्योंकि वो एक इजी टू लर्न फ्रेमवर्क है, जल्दी आपको आप सीख लेते हो, कम टाइम कंज्यूमिंग है, और आपको अट्रैक्टिव वेबसाइट मिल जाएगी इसको बनाने में। तो मैं पर्सनली खुद आज की डेट में जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ विद नोड जेएस एंड रिएक्ट जेएस, मैं एक मॉनस्टैक डेवलपर हूँ इस टाइम, तो मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा कि जावास्क्रिप्ट की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है आज की डेट में, और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे नंबर वन की, यहाँ पर नंबर वन में आपको मिल जाएगा पाइथन। जी हाँ, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपको मिल जाएगी नंबर वन में। आज की डेट में जो भी स्टार्ट बिगिनर है वो हमेशा पाइथन लैंग्वेज को प्रेफर करता है, क्यों, क्योंकि ये पांचों लैंग्वेज में सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, सबसे जल्दी आप इसको सीख सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज है।
कम टाइम कंज्यूम करती है। और हाँ, इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि आपको जैसे ये पता है कि 21st सेंचुरी है और आगे चलते चलते मशीन लर्निंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। सब कुछ तो रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, AI इसी पर चला गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए पाइथन जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग लैंग्वेज आपको मिल जाएगी पाइथन। अगर आप लोग बिगिनर हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप 10th क्लास के बाद ही स्टार्ट कर दो पाइथन लैंग्वेज। ज़्यादा नहीं तो छोटी मोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, जैसे स्नेक्स वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्नेक एंड लैडर के प्रोजेक्ट हैं, टिक टैक टो आ जाता है इसमें, काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप लोग एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हमारी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट खत्म होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे मेरे 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि मैंने पर्सनली चूज किए हैं, जो कि आप लोगों को 2021 में सीखने चाहिए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक बटन को हिट कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको आप कमेंट में बता सकते हो। आई बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। मैं कब आप जब मर्जी भी कमेंट करके बता दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दैट्स इट, आज के सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।